छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में बीजेपी समेत पूरे विपक्ष ने शून्यकाल में कर्मचारियों की मांगों को लेकर हड़ताल का मामला उठाया और इस पर लगाए गए स्थगन प्रस्ताव पर काम रोक कर चर्चा कराने की मांग की गई। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा, जनता कांग्रेस के धर्मजीत सिंह, प्रमोद शर्मा ने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों से किया वादा निभाए, इनकी हड़ताल के सारे विकास काम ठप पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि आज 1,09,000 सहायक शिक्षक हड़ताल पर हैं, इन्हें धरने में शामिल होने से रोका जा रहा है। आखिर सभी कर्मचारी हड़ताल क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने बिलासपुर वन मंडल में कैंपा के माध्यम से होने वाले कार्यों में अनियमितता पर ध्यान आकर्षित कराया तो वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने माना गड़बड़ी हुई है। उन्होंने सदन में ही एक अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा भी कर दी। कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने चर्चा के दौरान बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक अजय चंद्राकार ने चर्चा की शुरुआत गुलाम वंश ने की है। आपको बता दें कि लेकिन 3 बार के सीएम रमन सिंह के बेटे की टिकट काटी जाती है, 7 बार के सांसद की टिकट काटी जाती है और कोई चूं तक नहीं करता, तो बताइए गुलाम वंश का सदस्य कौन है? अजय चंद्राकार को बताना चाहिए। इतना ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार अनाज पर GST लगाई गई है, ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन मीट पर कोई GST नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जुड़ गई हैं। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे स्वाति जी, सदन का जो तीसरा दिन था वो भी हंगामेदार रहा, कैसे देखती हैं इसको आप? जी देखिए संदीप, सदन का तीसरा दिन बहुत हंगामेदार रहा। विपक्ष ने लगातार तीखे सवाल पूछे हैं पक्ष से और तीखे सवालों में आज 3 महत्वपूर्ण विभाग रहे। गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, गृह मंत्री जी का जो विभाग है वो, श्रम विभाग, नगरी प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी का विभाग है। इसके साथ ही इसमें वन विभाग के भी कुछ प्रश्न लगे थे जिसका जवाब शासन ने दिया है। आज की अगर महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो जो ध्यान आकर्षण का जो समय था, ध्यान आकर्षण में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के जो वरिष्ठ नेता है, विधायक है, कौशिक जी, धर्मलाल कौशिक जी, उन्होंने बिलासपुर वन मंडल का जो प्रश्न उठाया था उसमें आज देखा गया है कि शासन ने कुछ कमियां पाते हुए तुरंत तत्काल प्रभाव से एक जो अधिकारी थे जिनकी गलती थी कैंपा मत को यूज करने में, उसको प्रयोग करने में, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। तो आज वही कस्टम मिलिंग, धान को लेकर जो कस्टम मिलिंग का जो मामला है वो सदन में बहुत गर्माया रहा और उसमें किए जाने वाले व्यय की जानकारी जो है वो विपक्ष ने मांगी। तो वहीं अगर हम बात करें तो अभी सदन में अनुपूरक बजट पर खासी चर्चा हुई जहां पे नेता, जो विपक्ष के नेता है अजय चंद्राकर, उन्होंने सरकार को गिनाया कि किस ढंग से उनका राजस्व व्यय जो है वो बढ़ता जा रहा है और पूंजीगत व्यय है जो कम है, लगभग 3000 करोड़ का जो है इनका अनुपूरक बजट इस पूरे 22-23 सत्र का जो आया है, ये पहला अनुपूरक बजट है जो लगभग 3000 करोड़ का है। तो जिसमें ये विपक्ष आरोप लगा रहा है पक्ष पर कि इनका जो राजस्व व्यय है वो अधिक है और पूंजीगत जो व्यय है वो कम है। तो वहीं पक्ष से मोहन मरकाम, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कोंडागांव विधायक हैं, उन्होंने बताया कि ये जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ मॉडल प्रगति के रास्ते पर है तो ये जो अमाउंट है, जो लगभग 3000 करोड़ का जो अमाउंट कहा जा रहा है, इसकी आवश्यकता प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जी संदीप। स्वाति जी, एक तो विपक्ष ने वहां पर मुद्दा उठाया था कि सरकार कहती है कि हिंदू और हिंदुत्व खतरे में है लेकिन महंगाई पर कोई बात नहीं करता है, इस पर सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया था उनको? देखिए, विपक्ष द्वारा लगातार पक्ष को घेरने के लिए ऐसे कई तरह की बातें की जा रही है लेकिन अभी फिलहाल इस विषय पर सदन जो है वो शांत है और बात वहीं पर खत्म हो गई जब इस पे पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी बातें रख दी कि किस हिसाब से GST, प्रदेश सरकार का भी आरोप था कि किस हिसाब से केंद्र जो है वो हर चीज पर GST बढ़ा रही है और GST लगा रही है।
तो वहीं रोजगार पर भी जब बात आगे बढ़ी तो वहीं रोजगार पर भी बात आई कि किस हिसाब से जो केंद्र सरकार है उसने 2000 करोड़ के सॉरी 2 करोड़ प्रतिवर्ष के रोजगार की बात की थी, लेकिन अभी तक वो संभव नहीं हुआ है। तो वहीं गोबर खरीदी को लेकर पूरी चर्चा को मोल्ड कर दिया गया। तो इस हिसाब से आज विधानसभा में इन चीजों को लेकर लगातार चर्चाएं जो हैं वो मोल्ड होती रही और सदन में ये सारे विषय आज पूरे दिन छाए रहे। संदीप स्वाति जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।